रंजन साहू। कौन से गांव से हैं? मैं पुरुषोत्तमपुर से हूँ और जमदरहा भी मेरा गांव है। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है केंद्र में? इस बार मोदी की सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी की सरकार। क्यों, मोदी की क्यों बनेगी? क्योंकि उसके कार्य सही हैं और उनके जितने भी कार्य किए हैं वो एक नंबर का काम किए हैं। किसी को अपना, हर व्यक्ति को अपना परिवार समझते हैं और हर कार्य में रुचि लेकर, जैसे कि हर गरीब परिवार को आवास दिलाए हैं और महतारी वंदन योजना से हर महिला को 2 किस्त छत्तीसगढ़ में दिलवाए हैं, उनके खाते में पैसा दिलवाए हैं, जो कि हम लोग अपने बहू बेटी के साथ हम उनको दे नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को मोदी सरकार के आते ही मतलब छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। अच्छा, जैसे अभी आप इतनी मोदी सरकार के विकास की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जो आपके गांव की ये सड़क है ये बहुत समस्या बनी हुई है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? क्यों आपके गांव में ये समस्या बनी हुई है, क्या इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? इसमें जो है ठेकेदार की गलती है, जो 2 साल से इसको रोक कर रखा है। यहाँ जनता परेशान है, यहाँ रोड के आसपास जितने मकान हैं उसमें भी सामने वालों को बुखार आ जा रहा है, सर्दी आ रहा है, इसके धूल से पीड़ित। अच्छा, और क्या क्या समस्या आती है इस सड़क में? बहुत सारा समस्या है। सबसे पहले तो दिन भर धूल से परेशान है और आने जाने वाले कई गिर रहे हैं, मर रहे हैं, इसमें दुर्घटना भी हो रहा है गिट्टी की वजह से। और तो क्या लगता है आपको, शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, तब जा कर के तो ऐसी हो रहा है। तो अभी जैसे कि चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है इस सड़क की वजह से क्या कुछ प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है? हाँ, अब सरकार आने की बात है, अब बनेगी या नहीं बनेगी मैं तो ये नहीं बोल सकता। बाकी ये तो सबसे पहली गलती हमारे जो ठेकेदार हैं ना उनकी है, इसको आप, बल्कि मेरे जो संदेश जो मैं दे रहा हूँ उसको आप उन तक पहुँचाइए और रोड को जल्द से जल्द बनवाने की काम करवाइए।